प्रॉब्लम नंबर एट को देखते हैं। जैसे हमारी एट प्रॉब्लम नंबर एट है, स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ ए, स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ ए एंड एंडिंग विथ एंडिंग विथ बी। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, डीएफए क्रिएट करना है। स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। ठीक है, तो क्या करना है, इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग निकालनी है। कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग है, जैसे जैसे सबसे जो स्मॉलेस्ट, यानी कि सिंपली क्या होगा, यहाँ लिखा है कि स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए एंड एंडिंग विद बी। सबसे छोटी यानी कि स्मॉल स्ट्रिंग पॉसिबल कौन सी होगी, ए बी, यानी कि स्टार्ट विद ए एंड एंडिंग विद बी। ठीक है, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग पॉसिबल है, सिंपली है, क्योंकि स्टार्ट विद ए एंड एंडिंग विद बी। अब जैसे अब क्या करें, हमें क्या करूँगा, जैसे हमें क्या चाहिए, स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए स्ट्रिंग और एंडिंग विथ बी, इन बिटवीन एनी थिंग। जैसे आप चाहें जितने टाइम्स ए को लिखें, आप जहाँ चाहें नंबर ऑफ बी, यानी कि बी को कितनी बार लिखें। ठीक है, अगर वो इसका जो पहला अक्षर है, मतलब पहला अल्फ़ाबेट है, अगर ए है और लास्ट अल्फ़ाबेट बी है, इन बिटवीन एनी थिंग, जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग सब एक्सेप्ट होंगे। ठीक, जैसे ए और बी के जो बिटवीन, जैसे मैंने मान लिया ए ए बी ए बी, कुछ भी लिख दो, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। ठीक, स्टार्ट एंड एंडिंग, ये हमारी पॉसिबल हो गई। ठीक, कुछ भी लिख दो, ए एंड बी के बिटवीन ए ए आप लिख दो, ए बी के बीच में बी बी लिख दो, ए के बीच में बी ए ए बी, सब पॉसिबल है। सब सारी सारी जितनी भी लिखी हुई हैं, ये स्ट्रिंग सारी सारी पॉसिबल है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, ए बी, मैंने क्या किया, लिखने का तरीका स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए और एंडिंग विद बी होनी चाहिए, इन बिटवीन कुछ भी होना चाहिए, तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी टू लेंथ, इसकी थ्री हो गई। स्टार्ट विद ए होना चाहिए, एंडिंग विद बी होना चाहिए, इन बिटवीन मैंने बी लिख दिया। ठीक, ये पॉसिबल है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे स्टार्ट विद ए होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ए टाइम ए को रिपीट करूँगा और एंड विद बी होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ए के बाद बी को रिपीट कर दूंगा। ठीक, ये भी पॉसिबल है। तो ये इनफिनिट टाइम जाएगा, इनकी इनफिनिट स्ट्रिंग पॉसिबल होंगी, इतना तो कर सकते हैं आप। ये पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले आप ये करना पड़ेगा, जैसे कोई दिया गया है, उसकी इस तरह से आप लिखें, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या है, ये एल लैंग्वेज क्या है, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लैंग्वेज। अब सेकंड क्या करें, इस सेकंड स्टेप इसका, इसमें से क्या, टेक स्मॉल स्ट्रिंग, जो हमने पॉसिबल स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्मॉल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ कम होगी, मतलब छोटी होगी वो पॉसिबल स्ट्रिंग। जैसे जैसे ए और बी टू अल्फाबेट हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, टू, ए ए बी थ्री अल्फाबेट, थ्री लेंथ, ए बी बी थ्री लेंथ, ए ए ए फोर टाइम्स रिपीट एंड बी एंड फाइव लेंथ होगी इसकी। ठीक, और इसकी फोर होगी लेंथ, ए और बी थ्री टाइम्स बी रिपीट। तो ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो टू मतलब सबसे स्मॉल जो पॉसिबल स्ट्रिंग है, ए जो वन की क्यों नहीं है, क्योंकि ए, क्योंकि स्टार्ट ए से हो रही है बट एंडिंग विद बी नहीं हो रही है। अगर हम बी ले रहे हैं तो, बट ये स्ट्रिंग है, ये पॉसिबल, बट ये पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है,
ये स्टिंग है बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ए जो बीच स्टिंग है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रही, इसको मैं ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे सेकंड स्टेप ये कि टेक स्मॉल स्टे, ये हो गया सेकंड स्टेप। तो यहाँ से जो सबसे यानी कि मिनिमम लेंथ किसकी, ए बी स्ट्रिंग की, तो मैं जो मिनिमम स्मॉल स्ट्रिंग क्या हो गई ए बी बिकॉज ऑफ मिनिमम लेंथ, ए बी ले लिया। स्टेप थ्री में मैं क्या करूँगा, डी एफ ए बनाऊँगा। डी एफ ए किसका, जो मिनिमम जो स्मॉल स्ट्रिंग मैंने ए बी लिया इसका मैं डी एफ ए बना दूँगा, जैसे ए, ठीक है। जैसे पहला अल्फाबेट क्या है ए पर, हमारे क्या होगा स्टेज चेंज हो जाएगी, और बी पर ये हमारा लास्ट है तो हम सी को क्या करेंगे माइनस स्टेज। ये हमारा ए बी स्ट्रिंग के लिए ये हमारा फाइनल मतलब डी एफ ए बन गया। अब ये कंप्लीट डी एफ ए नहीं है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट डी एफ ए वो डी एफ ए होता है अगर ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं हमारे, ये हमारी जो कि है हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग, तो ये सारी की सारी कितनी जितनी भी हैं ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। अगर एक्सेप्ट कर रही हैं तो हमारा ये ट्रू यानी कि डी एफ ए होगा, अन्यथा नहीं है, ठीक। बट ये ए बी के लिए हमने डी एफ ए बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये वन बाई वन चेक करूँगा जो पॉसिबल स्ट्रिंग है, इसके लिए मैं बना चुका हूँ। अब इसके लिए मैं चेक करूँगा ए ए बी, जैसे ए ए बी ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, ठीक। मैंने यहाँ से लिया पहला अल्फ़ाबेट आएगा जैसे ही ए, ए पर हम बी पर जाएंगे, ए ये हमारा स्टार्ट स्टेट है यानी कि इनिशियल स्टेट है। ए ए ए ऑन अल्फ़ाबेट ए हम कहाँ पर जाएंगे, बी पर। बी पर क्या होगा, जैसे सेकंड यानी कि ए पर हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे ही ए आएगा अगेन ए, ठीक है, अगेन ए आएगा तो वो अगेन ए पे सी पर नहीं जा पाएगा, ठीक, क्योंकि जो एंडिंग विथ क्या लिखा हुआ है, एंडिंग विथ स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो बी है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर ए को हम यहाँ पर क्या करूँ सेल्फ लूप यानी कि रिपीटेशन करा दूँ, ए का नंबर ऑफ टाइम्स ए को क्या करें बी पर हम क्या करें सेल्फ लूप दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये यहीं रहेगा बी पर, जैसे ये बी इसको मिलेगा इस स्ट्रिंग को जैसे भी वो सी पर यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा यानी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई, ठीक, क्योंकि हमें सिंपली दिख रहा है कि जो ए बी का ये डी एफ ए बना हुआ है, ठीक, इन बिटवीन ए आ रहा है तो ए को हम अगर हम यहाँ सेल्फ ले दें इन बिटवीन ए और बी के बीच में, ए बी, ए बी का हमारा डी एफ ए बना हुआ है, इन बिटवीन ए आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर ए नहीं यहाँ पर ए बी के बीच में ए ए ए ए कुछ भी आ सकता है, बहुत सारे टाइम आ सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ए नंबर ऑफ टाइम्स क्या है ए को मैंने रिपीट कर दिया, जैसे ही आएगा बी सी पर चला जाएगा, सी हमारी फाइनल स्टेट है इसको एक्सेप्ट हो जाएगी, तो हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको चेक करा रहा हूँ ए बी बी, तो सी तार यानी कि ए बी बी, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रिंग एंडिंग विद बी होनी चाहिए, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट विथ ए एंड एंडिंग विथ बी एंड बी का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पर ये लिखा है कि एंडिंग विथ बी होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टार्ट विथ ए हो गई एंड एंडिंग विथ बी, बी 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 ऑल द बी रिपीटेशन हो, बी इसका मतलब क्या है बी एंडिंग विथ बी हो रहा है, ठीक, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जैसे ही ये स्ट्रिंग आएगी, जैसे हमने इसको चेक करा ए बी बी को, ए जैसे ही ए आएगी ए बी पर पहुँचे, बी पर क्या है अगेन इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो बी पर कहाँ पर है हम सी पर आ गए, इसका जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो भी बी है, वो भी बी है। अगर मैं ये करूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग जो लिखी है वो एंडिंग विथ क्या है बी है, और बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी का रिपीटेशन हो रहा है, अगर मैं यहाँ ये ऐसे करूँ इस तरह से, तो ये जो स्ट्रिंग लिखी है ए बी बी, ए बी बी एंडिंग विद बी हो रहा है ना,
क्योंकि बी का सेल्फ लूप है यहाँ, ए का नहीं है। ए बी एंड बी, ए बी बी जो स्ट्रिंग है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी हो रहा है, तो बी का क्या किया मैंने, सेल्फ लूप ले दिया। ठीक, इस तरह से करेंगे हम। अब मैं इस स्ट्रिंग को चेक करा रहा हूँ, ये तो हो गया ए ए ए ए बी। ठीक, तो जैसे ही पहला ए आएगा, ए से मैं क्या जाऊँगा बी, पहला अल्फ़ाबेट क्या है ए, बी पर गया। बी का टाइम क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ ए रिपीटेशन हो रहा है, तो बी पर हमारा क्या नंबर ऑफ ए क्या सेल्फ लूप का मतलब क्या नंबर ऑफ ए यहाँ पर रिपीट है, यानी घूमता रहेगा, बी पर ही रहेगा। ठीक, आगे नहीं जा पाएगा। जैसे ही बी इसको मिलेगा, जैसे भी मिलेगा स्टेट चेंज करेगा, सी पर पहुंच जाएगा, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है, ये स्टेट हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया ए बी बी बी, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट ए, तो ए पर हम बी पर पहुंचेंगे, बी के बाद अगेन बी, सेकेंड अल्फ़ाबेट, तो बी से हम क्या हो जाएंगे सी पर, सी हमारी फाइनल स्टेट है, और बिकॉज ऑफ बी यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, तो हमारा सी पर भी बी का क्या हो रहा है रिपीटेशन, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, अब मैं ये देखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, अगर यहाँ पर ये आता है कि ए बी ए, तो ए स्टार्ट पहला अल्फाबेट ए, ए से क्या होगा स्टेट चेंज होगी, बी पर पहुँचेंगे, बी को जैसे ही बी मिला, बी को जैसे ही बी मिला बिकम स्टेट चेंज हो जाएगी, वो सी पर पहुंच जाएगा, सी के बाद ए आ रहा है, ये स्ट्रिंग यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग विद बी होनी चाहिए कोई भी स्ट्रिंग, बट ये स्टार्ट ए से हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है, बट जो एंडिंग है वो बी से नहीं हो रही है, स्टार्टिंग और स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, ये स्ट्रिंग है, सो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, इनका जो एंडिंग जो ए है वो सी पर नहीं होना चाहिए, वो ए पर मतलब बी पर होना चाहिए, यहाँ पर बिकॉज ऑफ ए सेल्फ लूप रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, सी से बी पर पहुँचा, ठीक, और मैंने ए का सेल्फ लूप, ठीक, तो ए ए बी पर पहुँचा, बी से बी सी पर अगेन ए बी पर आ गया। ठीक, तो हमारी ये एक्सेप्ट नहीं हुई बिकॉज आप यहाँ, हम यहाँ पर नहीं पहुँच रहे। ठीक, सी पर, अगर मैं यहाँ पर एंडिंग किसी भी स्ट्रिंग का ए पर हो रहा है बी पर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अगर किसी भी स्ट्रिंग का एंडिंग जो पॉइंट है वो सी है, यानी कि सी यानी कि फाइनल स्टेट पर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑल द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करूँ, हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ ए, अगर कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी हो रही है, जैसे बी ए बी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ये कह रही है कि स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए से होनी चाहिए, बट ये हो रही बी से स्टार्ट, इसका मतलब क्या है, ये रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ जितनी भी स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी हुई है वो स्टार्ट विथ ए से हो रही है, स्टार्ट विथ ए, आफ्टर दैट नंबर ऑफ ए टाइम्स रिपीटेशन ए का हो रहा है, इसे बी आ रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगेन ए आ रहा है तो यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा, बी आएगा जैसे सी पर पहुँचेगा एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर बी आ रहा है स्टार्टिंग में ही, बट यहाँ क्या कह रहा है स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए, बी आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट का मतलब ये है कि ये डेट स्टेट में चली जाएगी। ठीक, इसके बाद हम निकालें कि स्टार्ट विथ ए होना चाहिए, ठीक, अगर ये कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी हो रही है, ठीक, इसके बाद कुछ भी आ रहा है, चाहे कितने भी टाइम ए रिपीट हो, चाहे बी रिपीट हो, चाहे कितने भी टाइम बी बी ए कुछ भी आए, अगर कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए बी हो रही है, स्टार्ट विथ बी एंड एनी टाइम ए और बी रिपीटेशन, डोंट केयर। ठीक है, क्या करेंगे, वो सारी सारी हमारी स्ट्रिंग जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट। ठीक है, रिजेक्ट कर देगा।
अब जैसे आप चेक करें कौन सी भी स्ट्रिंग इस DFA में, ये हमारा DFA बनकर तैयार हो गया। अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग आप चेक करेंगे ये एक्सेप्ट करेगा, अगर पॉसिबल स्ट्रिंग होगी, अगर स्टार्ट विद ए हो रही है और एंडिंग विद बी हो रही है, कौन सी भी स्ट्रिंग है, तो ये DFA एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेड स्ट्रिंग। ठीक है, ये इस तरह से DFA बनेगा मेरा।